मेरे को तो अजीब सा लगा कि पहले दिवाली दशहरे में इतनी छुट्टियां होगी, बच्चों को इतना नुकसान हो गया पोल्यूशन के कारण छुट्टी। पोल्यूशन तो ये वाला मेरे ख्याल से हर जगह ही है, और सारे दिन से जैसे मेरे दो बच्चे हैं तो दोनों ही घर पे थे, तो परेशान गलियों में ही घूमने जा रहे थे। अगर पोल्यूशन के कारण छुट्टी की है तो बच्चे घर में थोड़ी रहेंगे, बाहर खेलेंगे, वही पोल्यूशन है। या तो साइकिलिंग करने जाएंगे या फिर सारा दिन टीवी देखेंगे। पेरेंट्स के लिए और मुश्किल हो जाता है, कम से कम स्कूल में जाते हैं, क्लासरूम में रहते हैं, अपना कुछ पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है। हम तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन छुट्टियाँ नहीं है। जो हवा हम बाहर देख रहे हैं वही हवा घरों में आती है, तो एक तरह से जो आउटडोर पोल्यूशन है जिसकी आज के दिन हम बात कर रहे हैं उससे इंडोर पोल्यूशन भी होता है, और इंडोर पोल्यूशन अलग से भी होता है। अक्रॉस द बोर्ड जब घनता इतनी ज़्यादा है तो क्या करें, क्या आप घर में बैठेंगे, क्या आप खेल कूद के मैदान में जाएंगे, क्योंकि बच्चों को घर में रोकना कोई इतना आसान नहीं है। आज का टाइम इतना है कि कंपटीशन इतना है, पढ़ाई में एक दिन भी चला जाए छुट्टी हो जाए तो सिलेबस में पिछड़ जाता है बच्चे। मेरे ख्याल से ये स्टेप जो होना चाहिए था, दीपावली के जस्ट बाद होना चाहिए था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे हैं वो जो स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं इनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। पूरे स्कूल में मास्क बांटे, विद्यार्थियों को बांटे, अपने टीचर्स को, अपने ऑफिस स्टाफ को, प्रशासन को चाहिए कि इसका कोई परमानेंट समाधान निकाले। सरकार को परमानेंट समाधान सोचना चाहिए। सॉल्यूशन ढूंढना है तो लार्ज स्केल पे आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी।